ये है चैप्टर नंबर 6 सेल्स रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th सिलेबस का ये टुकड़ा है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फर्स्ट चैप्टर, लेकिन हम यहाँ पर सीईटी पोर्शन के लिए फॉर सीईटी सिलेबस ये 6th चैप्टर है, पीरियड नंबर 7 है, क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड हियर 34 अप टू 33 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड लास्ट फॉर लास्ट पीरियड। अब ये 34 के लिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए है दोस्तों, क्या है यहाँ पर ए यानी एक्स एलिमेंट्स है, एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू है ग्रेटर देन जीरो, देन बी यानी व्हाट एक्स स्क्वायर, एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स है प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो है, यू नो वेरी वेल। अब ए इंटरसेक्शन मुझे होना क्या, ए इंटरसेक्शन बी होना, देख लो क्या ये हाँ इसको सॉल्व हो सकता है, ये ए के लिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है ये यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, सपोज ये पॉजिटिव है हाँ? एक्स है क्या टू अंदर टू आता है फैक्टर एक्स माइनस टू और ये एक्स है क्या आता है ये एक्स प्लस वन है पॉजिटिव, सिमिलरली इसके लिए एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री और ये एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, अब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, वो पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ऐसा भी चलेगा तो फिर तुम्हारे लिए इसको सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, सेम मेथड है देख लो आप, यू कैन यूज देख लो सेम हम मेथड कौन सी यूज करेंगे, देख लो क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या है ये माइनस टू, ये वन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको होल स्क्वायर बनाओ क्या है ये वन, बीच का टर्म क्या है वन उसका हाफ यानी वन बाय टू उसका स्क्वेयर प्लस वन है देख लो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन बाय फोर है, वन इज मिडिल टर्म का हाफ यानी वन बाय टू उसका स्क्वेयर यानी वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इधर प्लस वन बाय फोर माइनस टू है देख लो क्या है ये क्वेश्चन, ये प्लस है यहाँ पर प्लस इधर आने के बाद क्या होता है, ये प्लस आने के बाद क्या बनता है ये माइनस बनता है ना, ऐसा भी ले सकते हैं इसमें यहाँ पर एक चलेगा माइनस वन बाय फोर और ये प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, ये कितना था ये एक्स माइनस वन बाय टू है ग्रेटर देन जीरो और प्लस क्या है ये सेवन बाय फोर ये पॉजिटिव है, फिर क्या है ये एक्स माइनस है वन बाय टू, एक्स माइनस वन बाय टू इसका क्या है ये स्क्वेयर प्लस कितना ये सेवन बाय थ्री आता नहीं क्या ये सेवन बाय फोर है ये है पॉजिटिव यहाँ पर देख लो तुम इसको अच्छा भी ले सकते हैं, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव है व्हाट ऐसा होता है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है ए के लिए, देन बी को भी हम सॉल्व कर सकते नहीं इधर ये प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर क्या हो सकता है फिर ये कि यहाँ पर मिलेगा हाँ देन सिमिलरली अब माइन ये जो है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो ये क्या होता है यहाँ पर एक्स माइनस ऐसा भी लेंगे हम फैक्टर एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो है लेस देन जीरो क्या था फिर ये है ना ये थ्री वन जा थ्री क्या आता ये वन कॉमा थ्री आता ना ये वन कॉमा थ्री है अब यहाँ पर ये क्या है होल स्क्वेयर, ये होल स्क्वेयर यानी व्हाट एनी रियल नंबर, होल स्क्वेयर यानी व्हाट एनी रियल नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ए के लिए क्या है ये स्क्वेयर है यानी एक्स का वैल्यू कौन सा भी चलेगा, ये होल स्क्वेयर है यानी एक्स का वैल्यू एनी रियल नंबर इंटरसेक्शन वन कॉमा थ्री ये है तुम्हारे लिए है ना, दोनों का इंटरसेक्शन एनी रियल नंबर उसका इंटरसेक्शन क्या मिलता हमें वन कॉमा थ्री कॉमन यानी वन कॉमा थ्री ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर ए, देन क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आओ,
क्वेश्चन नंबर 35 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। तब तक क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज गिवन फॉर यू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है हमारे पास देख लो आप, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 के लिए क्या है, ये ए और ये है बी, ए बी सी 1 4 2 5 और ये 3, क्या है ये ए 1 ए 4 है, बी 3 और सी 2 है। हाँ देख लो क्या है ये, यहां पर यूनिक ए के लिए यहां पर दो ऐसा वैल्यू, दो इमेजेस है फॉर ए, ए के लिए यहां पर क्या है कि एफ इज द फंक्शन है, एफ ऑफ ए के लिए 1 है और एफ ऑफ ए के लिए 4 है, यहां पर दो इमेजेस है। हियर इज नॉट यूनिक इमेज, हियर इज नॉट यूनिक इमेज, यानी दिस इज नॉट अ फंक्शन। बी के लिए 3 है, सी के लिए 2 है, बी का इमेज 3 है, सी का इमेज 2 है, ए का यहां पर बी के लिए ओनली 1 इमेज, सी के लिए ओनली 1, लेकिन ए के लिए क्या है इमेज 1 और यहां पर 4, यानी एनी फंक्शन कांट बी मोर देन 2 इमेजेस, 1 इमेज है फॉर एनी फंक्शन, फॉर एनी फंक्शन एनी वैल्यू ऑफ डोमेन देयर कांट बी मोर देन 1 इमेज, यहां पर क्या है 2 इमेज, यानी नॉट अ फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी नॉट अ फंक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, डोमेन ऑफ द फंक्शन या डोमेन ऑफ द फंक्शन या क्या ये 1, 3, 3, 5 और 2, 6 है, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन के लिए डोमेन, डोमेन यानी एक्स डोमेन क्या ये डोमेन देख लो, डोमेन यानी व्हाट 1, 3, 2। अब रेंज, रेंज के लिए क्या है हमारे पास 3, 5, 6 है, 3, 5, 6 डोमेन और रेंज, हाँ देख लो डोमेन ऑफ यर यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सेकंड। देन क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए क्या है ए यानी व्हाट 1, 2, 3, 4 है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू ए के लिए देख लो क्या है ये, ए ऑप्शन में क्या है 1, 2 देन 2, 3 ए के लिए 3, 4 ये 4, 1 है ना, ये देख लो 1, 2 देन 2, 3 देन 3, 4 और 4, 1। अब ऑप्शन नंबर बी के लिए देख लो 1, 2 देन क्या ये 2, 2 है देन 3, 2 है, अब क्या आता है ये 4, 2 आता है 4, 2 देन ऑप्शन नंबर सी के लिए है 1, 2 यहां पर 2, 2 है यहां पर 3, 3 है 4, 3 हाँ देख लो क्या ये दो है ना, ये 2, 2 ये 1, 2 देन 2, 2 ए यहां पर 2, 2 यहां पर 2, 2 यहां पर 3, 3 है। देन ये लास्ट ऑप्शन में देख लो क्या है ये लास्ट ऑप्शन 1, 4 देख लो 1, 4 उसके बाद ये 2, 3 और उसके बाद क्या ये 3, 3 बाद में क्या ये 4, 2 देख लो। हाँ
क्या है ये 1 2 एक पेयर हुआ, 2 3 दूसरा पेयर हुआ, देन 3 4 तीसरा पेयर हुआ, 4 1 ये फोर्थ पेयर हुआ, यानी दिस इज अ फंक्शन है ना। क्या है ये ए ए बी द फंक्शन, ये क्या है ना, देन बी सी डी जो है ये बी ए सी ए डी है, इज क्या है देख लो नन फंक्शन इन ऑप्शन बी सी डी इज 1 1 ये 1 2 2 3 3 4 4 1 1 1 फंक्शन है, बात ये 1 2 ये 2 2 है ना, 1 2 2 2 ये देख लो, ये देख लो ये बी बी ऑप्शन के लिए क्या है ये हुँ? ये 1 है 2 है देन यहाँ पर भी 2 है, 3 है देन यहाँ पर क्या है 4 ये 3 यानी व्हाट दीज आर नॉट 1 1 फंक्शन, ये क्या है ओनली ए, ओनली ए यानी फर्स्ट ऑप्शन उसके लिए 1 1 फंक्शन है, बाइजेक्शन यानी व्हाट 1 1 फंक्शन, बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू ए यानी 1 1 यानी 1 2 2 3 3 4 4 1 ये फॉर्म है, ये है 1 1 फंक्शन ओनली फॉर ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 के लिए देख लो क्या है, तुम देखते जाओ मीन भाई इन दिस इंटरवल इन दिस ड्यूरेशन तुम क्वेश्चन देखते जाओ क्या है क्या है, व्हाट इज गिवन और हमें क्या है हमारे पास और हमें क्या होना, ये तुम्हारे लिए मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी है। क्वेश्चन लिखने के बाद तुम्हारे पास है क्या और क्या तुम्हें होना है? देख लो ये क्वेश्चन नंबर 38 के लिए देखो क्या है, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस विद डोमेन्स d1 d2 देन एफ प्लस जी ऑफ एक्स है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स यानी कैसा होता है ये एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है जी ऑफ एक्स है, ये कैसा होता है डी ऑफ एफ प्लस जी यानी वो डी ऑफ एक्स प्लस के लिए कैसा होता है ये इंटरसेक्शन डी ऑफ जी यानी व्हाट डी वन इंटरसेक्शन डी टू, ये है 38 के लिए 38 क्वेश्चन, क्या है ये डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ प्लस जी डी एफ ये इंटरसेक्शन डी जी यानी डी वन इंटरसेक्शन डी टू यानी क्या है ऑप्शन नंबर बी 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप, क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देख लो दोस्तों क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, हाँ इसको हम कैसा ले सकते हैं ये क्या है ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स कैंसिल होता है, ये एक्स माइनस 1 बाय एक्स है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स ये है तुम्हारे एक्स 1 बाय एक्स है ना इज नॉट अ पॉलिनोमियल, एक्स का पावर कंपल्सरी पॉजिटिव इंटीजर होगा यानी प्लस 1 है ना, ये जो प्लस 1 है ये ऊपर जाने क्या होता है माइनस होता है यानी ये नॉट अ फंक्शन, ए ऑप्शन के लिए बी ऑप्शन के लिए देख लो क्या है 2 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ये रूट एक्स है, रूट एक्स है ये रूट एक्स पावर क्या है ये 1/2 है यानी पावर फ्रैक्शन है, पावर यहाँ पर एक्स का पावर 1/2 है फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। देन सी के लिए देख लो क्या है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स रेस टू माइनस, यहाँ पर माइनस 2 है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। अब डी के लिए देख लो ऑप्शन नंबर डी बचा है, ऑप्शन नंबर डी प्लस 7 एक्स माइनस 4 ये बाय 3 ये नीचे 3 नंबर है ये नंबर है एक्स क्यूब है पावर 1 है एक्स का पावर 3 है एक्स का पावर 1 है और एक्स का पावर यहाँ पर कुछ नहीं यानी 0, ये है हमारे लिए पॉलिनोमियल फंक्शन, यू शुड नो ये है हमारे लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तुम इसको 3 है ना इसको ऐसा ले सकते हो बाय 3
बाय थ्री बाय थ्री। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 39 पॉलिनोमियल फंक्शन, लास्ट ऑप्शन डी। अब 39 के बाद 40 के लिए क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए देखो क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 40 40 के लिए देख लो यार कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द फंक्शन y इक्वल टू 1 प्लस मॉड x, देख लो क्या है। हाँ 1 प्लस मॉड x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देख लो y इक्वल टू x क्या हुआ यार यहाँ पर, y इक्वल टू 1 प्लस x यानी x का वैल्यू कुछ भी दे लो y का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। यानी देख लो मैं यहाँ पर रखूंगा x, देख लो y x डैश y डैश है ये प्लेन। अब फर्स्ट मैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखूंगा, y का वैल्यू क्या है 1 है, x 0 के लिए y का वैल्यू 1, सपोज ये 1 है, ये 1 ये 0.1 y का वैल्यू 1 ये है, देन अब x क्या ले लो प्लस 1 दे दो, y क्या मिलता 1 प्लस 1 मॉड यानी प्लस 1, 1 प्लस 1 2, ये 1 देने के बाद क्या मिलता है ये 2, 1 2 3 है, 1 देने के बाद 2 मिलता है, 1 देने के बाद ये 2 मिलेगा, देन x इक्वल टू 2 ले लो, y इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना मिलेगा 3 मिलेगा, ये 2 के लिए कितना है ये 3 है। हाँ डायरेक्ट देख सकते हैं x इक्वल टू क्या है ये माइनस 1 ले लो, माइनस 1 यानी मॉड y इक्वल टू 1 माइनस 1 है, y इक्वल क्या आता है ये 1 माइनस 1, y का वैल्यू 0 आता है ना, x के लिए माइनस 1 ले लो, ये मॉड 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 यानी क्या है मॉड माइनस 1 यानी 1 है प्लस ऑफ ये प्लस 1 यानी क्या आता है ये इक्वल टू 2 आता है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू माइनस 1 है, एक्स्ट्रा वैल्यू माइनस 1 यहाँ पर कितना मिलता मुझे है ना, माइनस 1 लेने के बाद कितना आ रहा है ये 2 आ रहा, सिमिलरली माइनस 2 लेने के बाद x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू 1 माइनस माइनस मॉड में प्लस आता यानी 3 आ रहा है, देख लो ये वैसे फॉर्म में ग्राफ ये इधर और ये इधर है, देख लो ये कहां पर है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब 41 के लिए है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स है, कॉस ऑफ लॉग एक्स दे एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस 1 बाय 2 एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर और प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, यहाँ पर उसका वैल्यू एडजस्ट करो, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा देख लो। हाँ क्या है ये यहाँ पर, इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी है हमारे पास जो ऑप्शन है उसके लिए हमें मिलने वाला है, यहाँ पर देख लो, देख लो पूरा ये तो मैं कह रहा हूँ पूरा ये यहाँ पर ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा, ये f of x square in place of x क्या होना x square in place of x क्या होना y square, तुम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, f of x यानी ये होना x square यानी ये सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करो, क्या ये यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो
ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो और ये जो है ना इसको ऐसा जाने हो व्हाट ये क्या है, देख लो आज इसको तुम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, देख लो पूरा सिंप्लीफाई ये वैल्यू यहाँ पर इन प्लेस एक्स है ना एक्स स्क्वायर पुट करो यहाँ पर वाई स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये लॉग है ना ये लॉग होता है यानी डिवीजन में माइनस इनटू में प्लस इसको तुम यहाँ पर सॉल्व करो यू विल गेट आंसर तुम्हारा जीरो। अब यहाँ पर पूरा सॉल्व करके ना बताओ ना भाई सिर्फ एक्स स्क्वायर यानी फिर सब यहाँ पर यार क्रॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर क्रॉस ऑफ लॉग वाई स्क्वायर वन बाय टू ऑफ क्रॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर बाय क्रॉस ऑफ लॉग वाई स्क्वायर है लॉग एक्स स्क्वायर बाय लॉग वाई स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना इंटू वाई स्क्वायर तो ये एज इट इज इसको सॉल्व करो यू विल गेट रिजल्ट तुम्हारा इसको सिंप्लीफाई करो जीरो आता ऑप्शन सी आता टेंशन और क्वेश्चन नंबर 42 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 42 के लिए देख लो। हाँ पहले एक दो क्वेश्चन हमने वहां पर किए थे ना स्टार वाले वो पॉसिबिलिटी बहुत यानी बहुत कम पॉसिबिलिटी है वो तुम्हारे जेई के सिलेबस के लिए है यार जेई के सिलेबस के लिए पॉसिबिलिटी बहुत यानी बहुत कम दोस्तों। हाँ क्या है ये देख लो हाँ क्वेश्चन नंबर 42 ए एंड बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर टू सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए बाय देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देख लो ये क्या है हम इसको कैसे एडजस्ट कर लेंगे देख लो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। अब यहां पर है कि नहीं यहां पर एडजस्ट करने के लिए देख लो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब यहां पर ए पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए स्टार ए इक्वल टू जो ए स्टार ए इक्वल टू जीरो है ना फॉल्स हमें फॉल्स ये करना है फॉल्स फाइंड करना है देन ये लॉ है हमारे पास सेकंड वन ए स्टार बी ए सी इक्वल प्लस क्या है ये बी हाँ ये है बाद में सी और ये ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस क्या है ये सी ए बी इक्वल कंपल्सरी जो है ये साइक्लिक ए बी सी ए सी ए बी इक्वल टू जीरो ये भी कंपल्सरी है। देन हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यू नो वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है व्हाट ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंदर मल्टीप्लाई है तीनों सही है यानी लास्ट फॉल्स ये तुम्हारे लिए ये आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर लास्ट है देन क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 43 देख लो क्या है एफ ऑफ एक्स के लिए क्या है ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिए क्या है एक्स माइनस ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज जीरो फॉर दिस फंक्शन 43 के लिए देख लो क्या है ये 43 के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन यानी व्हाट क्या है ये यहाँ पर एक्स माइनस ये एक्स है एक्स माइनस एक्स ये क्या होता है ये जीरो टू वन में है ना ये देख लो क्या है ये एक्स माइनस एक्स यानी जीरो क्या होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी ये तो सेम यहाँ पर जीरो होना अब ज्यादा से ज्यादा जीरो ये वन होता है याद रखो ये
लेटेस्ट दोनों सेम है, यहाँ पर जीरो लेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी ये जीरो आठ ज्यादा से ज्यादा ये जीरो इंटू में आता है। देख लो कंपोजिशन, ये कंपोजिशन कहां पर देख लो कंपोजिशन एक्स यानी वॉट ये जो है ना ये एक्स जो है हमारे पास एक्स ये होल देन जी ऑफ एक्स यानी पूरा एफ यानी वॉट ये क्या है देख लो एफ एफ यानी पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसमें जी जी यानी ये क्या है एक्स माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कंपोजिशन जीरो ऐसा होता है। ये हम एक्स माइनस मॉड एक्स है ना ये जो है लाइज एन ऑनली जीरो और वन या ये है जीरो और ज्यादा से ज्यादा वन यानी कंपल्सरी है ये जीरो ऑप्शन नंबर डी 43 के लिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों और 43 के लिए ऑप्शन नंबर डी देख लो आप दे 44 के लिए आवर क्वेश्चन नंबर 44 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 44 देख लो हाँ क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आओ क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है ये है क्वेश्चन नंबर अप टू 43 और जो रिमेनिंग जो 6 to 7 क्वेश्चन है विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट।